Welcome, dear students. My dear friends and my dear students, welcome back once again. Dear students, आप सबके लिए good news है. वह good news यह है, SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के लिए जो है वो जो कोर्स ऑफर है वो काफी बेहतरीन कोर्स ऑफर है. इस समय SST इंस्टीट्यूट के द्वारा यह कोर्स ऑफर प्रोवाइड किया गया है. तो डियर स्टूडेंट, यदि आप रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, AC रिपेयरिंग, फ्रीज रिपेयरिंग कोर्स करने के लिए सोच रहे हो या इंटरेस्टेड हो तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस समय यदि आप SST इंस्टीट्यूट से कोर्स करते हैं तो आपके हजारों रुपए की बचत हो जाएगी. आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इस कोर्स को करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, इस कोर्स को करने के बाद आप कहां कहां जॉब के लिए जा सकते हैं, यह कोर्स कौन कर सकता है, इसकी ट्रेनिंग किस तरीके से होगी, क्या प्रैक्टिकल होगा, नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ये तमाम जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिससे आप घर बैठे हुए बहुत आसानी से आप अपना एडमिशन करा सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट, जो मैं बात कर रहा हूं वह है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन कोर्स. यह एक डिप्लोमा कोर्स होता है. इस डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद आपको एक अच्छी सैलरी ऑफर होती है. आप देश विदेशों में जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं. यह कोर्स 3 से 12 महीने का कोर्स होता है. यदि आप फास्ट ट्रैक मोड में गए तो 3 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट होगा. नॉर्मल मोड में अगर आप गए तो 12 महीने में यह कोर्स कंप्लीट होता है. यानी रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन का जो डिप्लोमा कोर्स है यह 12 महीने का कोर्स होगा. इसकी जो ट्रेनिंग होगी वह कंप्लीट ट्रेनिंग होगी, प्रैक्टिकल पर आधारित ट्रेनिंग होगी, जो आपको हिंदी मीडियम में मिलेगी. अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें अंग्रेजी में मिलेगा या अन्य भाषा में मिलेगा, तो आपको आपकी भाषा में मिलेगा. यदि आपको हिंदी भाषा आता है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. साथ में मिलेगा आपको HPI यानी इंटरव्यू से रिलेटेड वो तमाम जानकारियां जिसकी आवश्यकता पड़ती है कोर्स करने के बाद. एक कैंडिडेट अगर कोर्स कर लेता है तो फिर उसके पास समस्याएं आती हैं कि वह किस तरह से इंटरव्यू को पास करे, किस तरह से वह इंटरव्यू देने जाए, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा जॉब सही है, कौन सा जॉब फर्जी है, ये तमाम जानकारियां आपको मिल जाती हैं पढ़ाई के दौरान ही, वह भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. इसके लिए कोई अलग से चार्ज आपको नहीं देना होता है. अब मैं बात कर लेता हूं वर्कशॉप की. वर्कशॉप ट्रेनिंग के अंतर्गत उन तमाम चीजों को आप जान पाते हैं, समझ पाते हैं जो तकनीकी से यानी टेक्निकल पॉइंट से रिलेटेड होता है. जैसे फॉल्ट को कैसे ठीक किया जाए, फॉल्ट फाइंडिंग क्या होगा, किस तरह की सिचुएशंस आती है, किस तरह की खराबियां आती हैं, किस सिचुएशन में आपको क्या अप्लाई करना है, क्या उस समय डिसीजन लेना, ये तमाम बातें आप वर्कशॉप में कर पाते हैं. वो भी हमारे ऐसे एक्सपर्ट के साथ जिन्हें गल्फ देशों का काफी दिनों का अनुभव है. वे काफी दिनों से गल्फ में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, अपना वर्क करते आ रहे हैं. ये तमाम लोग आपको सिखाने में मदद करेंगे. यानी अब तक जिसने जो भी गलती किया हुआ है वो गलती होने का कोई चांस नहीं है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मौका बहुत ही अच्छा है. आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, घर पे रहते हुए ही एडमिशन बुक कर सकते हैं, आज ही एडमिशन बुक कर सकते हैं और पढ़ना शुरू कर सकते हैं और हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं. आप SST इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद आप अपने समय की बचत करते हैं, आप अपने पैसे की बचत करते हैं और एक अच्छे जॉब के लिए आप तैयार हो जाते हैं. अब मैं बात कर लेता हूं कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें. इस कोर्स को कौन कर सकता है, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन का कोर्स कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी, कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है. यदि आप हाई स्कूल पास हैं, इंटरमीडिएट पास हैं, BA पास हैं और भारत के नागरिक हैं, इंडियन हैं, तो आपको यह कोर्स मिल सकता है, वो भी जो ऑफर है उसके अंतर्गत. यानी आप देख सकते हैं कि जहां पर इतने रुपए में आपका सिर्फ क्या लगता है, फॉर्म भरने का समय रजिस्ट्रेशन में लग जाता है, उतने में पूरे पैसे में आपके पूरे साल की कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है. हाई स्कूल की पढ़ाई पास कर लिया है, इंटर की पढ़ाई पास कर लिया, इवन BA तक की पढ़ाई पास कर लिया है और आप भारत के नागरिक हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वह भी इस ऑफर के साथ. यदि आप SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. अब मैं बात कर लेता हूं जिसे सबको इंतजार होता है,
जॉब्स कहाँ मिलेगा। अगर हम नौकरी की बात करें तो हर व्यापार में फ्रिज की और एसी मैकेनिक की आवश्यकता है, चाहे वह किसी भी तरह का व्यापार हो, किसी भी तरह की बिजनेस चल रहा हो, किसी भी तरह की कंपनी हो, आप देखेंगे कि हर जगह फ्रिज की आवश्यकता होती है, हर जगह एयर कंडीशन की आवश्यकता होती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह साबित होता है कि दुनिया में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। निर्माता कंपनियां, जितनी भी मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं, उसमें आपको जॉब मिल सकता है, उसमें आपको एयर कंडीशन मैकेनिक का जॉब मिल सकता है, रेफ्रिजरेशन मैकेनिक का काम मिल सकता है, और सबसे बड़ी बात मैं करूं कि खाड़ी देशों में आपको इसका जॉब मिल सकता है। यदि आप दुबई और गल्फ में काम करने के लिए उत्सुक है तो ये कोर्स आपको दुबई पहुंचाएगा, यह कोर्स आपको गल्फ पहुंचाएगा और आपके हाथों में बहुत अच्छी सैलरी आएगी। भारत में देखा जाए तो फ्रिज और एसी का जो जॉब है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही अधिक है। आप इसे इस कोर्स को करने के बाद आप हर जगह जॉब के स्कोप देख सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं सैलरी कितनी मिलेगी। यदि आपने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन का कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आपको 15,000 रुपए शुरुआती सैलरी की, जो मैं बात कर रहा हूं, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए और 45,000 प्लस, इस तरह की सैलरी आपको ऑफर हो सकती है। यह सैलरी कंपनी टू कंपनी वैरी करेगी। देश और गल्फ की मैं बात करूं दुबई की, तो वहां पर यह सैलरी डिफर हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा एक आउटलाइन आपको मिल चुका होगा कि यदि आप इस कोर्स को करते हैं, आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको कितने बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको अब यह अंदाजा लग चुका होगा कि आपकी सैलरी कितनी होगी। यदि मैं मिनिमम सैलरी की बात करूं तब भी वह सैलरी 15,000 प्लस होगी, यानी 15,000 रुपए से अधिक होगी। और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका ये सैलरी इंक्रीज होता रहेगा। जॉब के ऑफर हर जगह मिलेंगे आपको, हर बिजनेस में मिलेगा, हर कंपनी में मिलेगा, दुबई में मिलेगा, गल्फ में मिलेगा, भारत में मिलेगा, हर जगह जॉब के अवसर आपके अवेलेबल मिलेंगे। वे सभी लोग कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट बीए की परीक्षा पास कर लिया हो। इसमें से कोई भी एक एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना भी बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आपको इस कोर्स का लाभ मिल पाएगा। और समय की मैं बात करूं, आप इस कोर्स को फास्ट ट्रैक में कर सकते हैं, आप रेगुलर मोड में कर सकते हैं, अपने रीजनल भाषा में कर सकते हैं, पूरी तैयारी के साथ, पूरी प्रैक्टिकल के साथ, वर्कशॉप के साथ, तमाम तरह की चीजों के साथ आप इस चीज को कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।